दोस्तों अभी अभी जो दिल्ली से खबर आई रही है, दिल्ली की सड़कों पे उतरने के लिए मस्जिदों से हो रहा था ऐलान। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले छोटा सा गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक कर दे, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही न्यूज जानने के लिए। दोस्तों नागरिकता संशोधन एक्ट 2019 एक ऐसा मुद्दा जिसे विपक्षी पार्टी का हर एक नेता अपनी राजनीतिक छवि को मजबूत करने के लिए भुनना चाहता है। वही अगर बात करें मुस्लिम धर्म गुरुओं की तो वो भी ज्यादातर इन्हीं नेताओं के इशारों पर काम करते हैं। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कह दिया था कि नागरिकता संशोधन एक्ट जरा भी वापस नहीं होगा, चिंतित मात्रा में भी वापिस लेने की संभावना नहीं है। इससे यह तो साफ हो गया था लोग जो भी कर ले विपक्षी पार्टियां उन्हें कितना भी भड़का ले यह एक्ट अब वापस नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने से मना कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि यह कानून भारतीय संविधान, असम समझौते और राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। इस कानून को रद्द करवाने के लिए कांग्रेस ने जयराम रमेश AIMM के असुद्दीन ओवैसी TMC की महुआ मोइत्रा RJD के मनोज झा जमीयत उलेमा ए हिंद और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब क्योंकि सभी पार्टियों के सभी हथकरे विफल हो गए तो अब बारी है मुस्लिम धर्म गुरुओं की। कल दिल्ली में हुए हिंसा पर उसी क्षेत्र के निवासियों ने बताया कि आसपास के मस्जिदों से कई दिनों से ऐलान किया जा रहा था मंगलवार को NRC और कैब का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो जाए। दोस्तों आपको यह कानून कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।